सीईओ कोई भी हो, डजंट मैटर, सर्विस मिलनी चाहिए पब्लिक को, दैट डज मैटर। माशाल्लाह, पहले तो बहुत मुबारक हो उनको और काफ़ी बड़ी सक्सेस है उनकी। तो जिस तरह उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया में लोगों को, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा अवेल कर रहे हैं, तो खुशी की बात है कि हमारे नेबर्स हैं और उनको इतनी कामयाबी मिली है। एलन मस्क है, उसने रीट्वीट भी किया है कि यूएसए ने इंडियन टैलेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ये हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि इंडियंस ही टेक्नोलॉजी पे जितनी भी कंपनीज हैं बेसिकली लीड कर रही हैं, उन सब पे इंडियन ही बैठे हुए हैं। अब सारे सीईओस इंडियंस हैं, जो जितने भी बड़ी टेक जायंट्स हैं, तो उसका इफ़ेक्ट ये है कि इन द फ्यूचर अगर आप देखें कि जो फ्यूचर जॉब्स हैं या पाकिस्तानीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऑफकोर्स जो हमारा पाकिस्तान इंडिया रिलेशन है वो इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा उसको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल के बारे में। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडॉप्ट, आईबीएम, पेप्सी, इवन की नोकिया के सीईओ भी इंडियंस हैं। इन सबका ताल्लुक आईआईटी से है। आईआईटी इंडिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स हैं, जिसमें बहुत ही ब्रिलियंट और शार्प माइंड के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस वक्त मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों को जो बुक्स पढ़ाई जा रही है, वो भी आईआईटी के ऑथर्स की लिखी हुई है। इस वक्त आईआईटी के टैलेंट का, यानी इंडिया के टैलेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूएसए उठा रहा है। इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नजम। हमजा। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद हसन। मोहम्मद नुमैर। पहले हमारे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडॉप्ट, यहाँ तक के पेप्सी और नोकिया के तो सीईओज इंडियंस थे ही, अब ट्विटर का जो सीईओ है वो भी इंडियन आ गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्यों हर इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ जो है वो इंडियन है बट नॉट पाकिस्तानी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगा कि ये जैसे एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है मार्केट को टारगेट करने के लिए, लाइक इंडियंस की ह्यूज मार्केट है, एशियंस की, और ये जस्ट फोबिया है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं है, इंडियन क्यों। पाकिस्तान में भी नो डाउट बहुत ज़्यादा पीएचडी डॉक्टर्स हैं, बस ठीक है, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग फॉर यू नो बीइंग अ लेबर, नॉट एबल टू टेकिंग अ रिस्क। सो ये एक ट्रेंड सेट हो चुका है हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बेस पे। तो सीईओ कोई भी हो, डजंट मैटर, सर्विस मिलनी चाहिए पब्लिक को, दैट डज मैटर। पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईएमबी, नोकिया, इवन के बहुत सारी और इंटरनेशनल कंपनी हैं जिनके सीईओज इंडियन हैं। अब एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है इंडिया ने, ट्विटर का जो सीईओ है वो भी इंडियन आ गया है। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी सक्सेस है? सक्सेस तो है, और जो मैं पिछले दिनों देख रहा था, मेरे ख्याल से वो बॉम्बे के ग्रेजुएट हैं जो उनके अब सीईओ हैं। तो अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली ये मोनोपोली बनती है इंडिया की, क्योंकि अब सारे सीईओज इंडियंस हैं, जो जितने भी बड़ी टेक जायंट्स हैं। तो उसका इफ़ेक्ट ये है कि इन द फ्यूचर अगर आप देखें कि जो फ्यूचर जॉब्स हैं या पाकिस्तानीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऑफकोर्स जो हमारा पाकिस्तान इंडिया रिलेशन है वो इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा उसको। तो ओवरऑल लगता है कि इंडिया के लिए तो ऑफकोर्स ये चीज़ बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन अगर इसको एज अ आइडियल देखा जाए, तो हम भी एज अ नेशन, हमारी गवर्नमेंट अगर हमारी आईटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ रही हैं और हमारे यहाँ पे आईटी टैलेंट है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो आई थिंक हम उस लेवल तक रीच कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं, तो आपको पता होगा कि इंडिया के आईआईटी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनसे सब पास आउट होकर निकलते हैं, और ये बड़े टफ एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कि बहुत ही शार्प और ब्रिलियंट जो स्टूडेंट हैं वही इसको पास आउट कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है? क्या रीज़न नज़र आती है कि हम आज इतने पीछे रह गए हैं? थोड़ा सा हम ऑर्थोडॉक्स वे में फॉलो करते हैं अपनी एजुकेशन को, हमने बहुत ज़्यादा अपनी एजुकेशन जो है वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या लेटेस्ट तरीके हैं उनको हमने अडॉप्ट नहीं किया, तो जिसकी वजह से कुछ लैग्स हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में। अभी भी हमें आईटी की तरफ, कंप्यूटर की तरफ, इन सिस्टम्स की तरफ अपनी यूथ को, अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको इस तरफ बेसिकली रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि इन द फ्यूचर हमारा भी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम भी, जो हमारा भी बूम आए और पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने मेडिकल और इंजीनियर के स्टूडेंट हैं वो 80% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि इंडियन ऑथर्स की बुक
इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में लिखी होती हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन है वो उस तरीके से आपको फीड नहीं की जाती, जिस वजह से इंडियन ऑथर्स की जो बुक्स हैं, या अगर देखा जाए तो इंडियन ट्यूटोरियल्स जो हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उसके थ्रू आप सिंप्लीफाइड नॉलेज जो है वो गेन करके एटलीस्ट आप अपनी डिग्री क्लियर कर सकते हैं। आईआईटी के जो जितने भी टैलेंट है वो सबसे ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है इस वक्त यूएस से, तो कितना बेनिफिट हो रहा है इस वक्त यूएसए को इंडिया के टैलेंट का? इंडिया के टैलेंट का बहुत बेनिफिट है। रिसेंटली जो एलन मस्क है उसने रीट्वीट भी किया है कि यूएसए ने इंडियन टैलेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, तो ये चीज़ है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ऑफकोर्स इंडियन टैलेंट है, और दूसरा ये है कि इंडियन टैलेंट एक्सपोज हुआ है यूएसए में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट है, इसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इंटरनेशनल बेसिकली प्लेटफॉर्म्स पे हमें एक्सपोज करना है, जो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है ये इनिशिएटिव ले सकती है। इंडिया ने एक और कामयाबी हासिल कर लिया है, ट्विटर के सीईओ भी इंडियन आ गए हैं, पराग अग्रवाल। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी सक्सेस है ये? माशाल्लाह, पहले तो बहुत मुबारक हो उनको, और काफ़ी बड़ी सक्सेस है उनकी। तो जिस तरह उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया में लोगों को, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा अवेल कर रहे हैं, तो खुशी की बात है कि हमारे नेबर्स हैं और उनको इतनी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी क्यों पीछे रह जाते हैं, हमें कोई सीईओ पाकिस्तानी अभी तक नज़र क्यों नहीं आ रहा? इंशाल्लाह पाकिस्तानी भी नज़र आएंगे, लेकिन मेन वजह ये है, दूसरा रीज़न है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हमारे पास टैलेंट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे तलीमी इदारे हैं, जहाँ पे एजुकेशन पे हमारा सिस्टम है, वो इतना उस तरह नहीं है जिस तरह उनका है। यानी कि उनको पहले बेसिक चीज़ें प्योर क्लियर कराते हैं, हमारा वो शुरू से लेके एंड तक, हमें हमारे बच्चे को कोई टेंथ तक पता नहीं होता कि उसने आगे क्या बनना, उनको शुरू से ही वो देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट किधर है, और उनके जो से एजुकेशन सिस्टम है उनको वो साथ सपोर्ट करते हैं, उनके टीचर्स, उनके प्रोफेसर वगैरह। तो हमारा इधर जो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से हम उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर रहे। पहले हम देख रहे थे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईएमबी, नोकिया, बहुत सारी और कंपनीज के जो सीईओस थे वो इंडियन थे, लेकिन अब एक और ट्विटर जो कि बहुत बड़ा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी जो है इंडियन सीईओ आ गया। क्या कहेंगे इंडिया की इस और फतह पर? बेसिकली ये हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि इंडियंस ही टेक्नोलॉजी पर जितनी भी कंपनीज हैं बेसिकली लीड कर रही हैं, उन सब पे इंडियन ही बैठे हुए हैं। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी है, और काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स हैं। इवन कि मैं खुद इंडियंस के लिए काम कर चुका हूँ, इंडियंस हम लोगों को हायर करते हैं, पाकिस्तानीज को हायर करते हैं काम कराने के लिए, लेकिन हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है शायद, जिस वजह से जिस पे हम उन पे इस तरह का काम करके इस जगह पे पहुँच सकें, या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किए जाते, इस तरह की चीज़ों में हम गवर्नमेंट की साइड पर शायद लैग कर रहे हैं मेन मेरे ख्याल से। आप क्या कहेंगे इंडिया की एक और फतह पर, एक और बहुत बड़ी सीट पर इंडिया ने अपना नाम लिख लिया? जैसा कि मैंने कहा, मैं तो ये कहूँगा गुड फॉर देम, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तानियों में जो है टैलेंट नहीं है, हमें भी काफ़ी टैलेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ एजुकेशनल जो है इम्प्रूवमेंट्स होने की जो है ना हमारे एंड पे ज़रूरत है। एक मेरे हिसाब से एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में वो काफ़ी कॉमन हमें करनी चाहिए, और आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह, स्टार्टअप्स वगैरह, इनकी जो फंड रेजिंग से रिलेटेड भी जो है ना गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए। आपको पता है ये जितने भी सीईओज हैं और जितने भी दुनिया भर में इंडियन स्टार्टअप्स हैं, ये सारे किसी ना किसी तरह आईआईटी से लिंक करते हैं। मतलब आईआईटी के एग्जाम्स इतने टफ होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शार्प और ब्रिलियंट स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये सारे वहीं से ही निकल कर आए हुए हैं। क्या कहेंगे कि इतनी टफ एजुकेशन है हमारे यहाँ पे, कोई इस तरह का एजुकेशन सिस्टम आपको नज़र आ रहा है? करंटली तो ऐसा नहीं है, रटा बेस सिस्टम ही काफ़ी कॉमन है तकरीबन यूनिवर्सिटी लेवल पे आप बात कर लें या मैट्रिक बेस पे भी, लेकिन इसी पॉइंट को जो है ना इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है। जिस तरह कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ना हमें हैंड्स ऑन ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है ना वो करना चाहिए, एज़ कम्पेयर टू के सिर्फ एक दो सवाल रट लिए और आपके जो है ना वो नंबर वगैरह आ गए। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, आपने जानी ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल के हवाले से पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों कहना है कि टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं, मगर अफसोस कि इन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम नहीं किए जाते। आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।